गिटहब करके अपना ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं, मन्नू का ईमेल आईडी, मन्नू का पासवर्ड एंड क्लिक ऑन साइन इन। इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड बोल रहा भाई, ऐसा क्यों? फॉरगेट पासवर्ड, अकाउंट यही एसोसिएटेड है। चलिए चेक करते हैं, पजल वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है यूज द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू फेस इन द डायरेक्शन ऑन द हैंड। एक मेल आई होगी तुम्हारे पास, तो जो तुमने मुझे व्हाट्सएप किया था पासवर्ड वही इसमें डाल के सेव कर दो। हो गया, चलो ट्राई करते हैं फिर। मन्नू एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी जीमेल पर, चेक करो। जीरो फाइव टू वन नाइन एट, लीजिए वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो मन्नू ने कुछ रिपोजिटरी बना रखी हैं और ये चल रही है सब। अच्छा क्या बात है, तो मन्नू 12 शर्मा, अच्छा तो न्यू रिपोजिटरी देखिए आप यहाँ से बनती हैं और यहाँ पर जाके जो भी आप अपनी रिपोजिटरी का नेम रखना चाहें, तो जैसे कि हमारे पास है ई कॉमर्स ऐप के नाम से, इसको ज़रा चला के देख लेते हैं कि चल रही है या नहीं। सीडी ई कॉमर्स ऐप और npm स्टार्ट, तो हमारा डेटा वगैरह इसमें डिस्प्ले हो रहा है, कैटेगरीज वगैरह भी काम कर रही हैं। और हमने कुछ और भी सेट किया था इसमें, कहीं पर क्या डाला था हमने? अच्छा वो हमने मैन्युअली राउट चलाया तो सर ठीक है, कि पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को अगर आप ओपन करोगे तो उसके अंदर अलग से आपको डिलीट डिलीट करने के ऑप्शन वगैरह आते हैं। ठीक है, क्या वो बता दूंगा, पहले आज इसको देख लेते हैं फिर वो भी कर लेंगे। चलिए चल तो गया है, तो हम यहाँ से ई कॉमर्स ऐप के नाम से ही बना लेते हैं और इसको पब्लिक रखेंगे और क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके okay, तो इसके बाद आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रहना है, सर्वर को बंद कीजिएगा और यहाँ से हम लोग रन करेंगे npm रन बिल्ड, बिल्ड बनाएंगे तो यहाँ पर एक बिल्ड के नाम से फोल्डर बनेगा और ये स्टार्ट हो जाएगा।
लीजिए कंपाइल सक्सेसफुल, ये अपना हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी ई कॉमर्स वाली ऐप में आइएगा। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ से हम लोग गिट बैश पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग गिट को इनिशलाइज करेंगे, INIT। वैसे कमांड आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है जब आप यहाँ आते हैं ना, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है लिखी। तो चलिए गिट को हमने इनिशलाइज किया, तो गिट इनिशलाइज सक्सेसफुल। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, डालिए इसको यहाँ पर और एंटर कर दीजिए। ये पार्ट भी अपना हो गया सक्सेसफुल इसके अंदर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर गिट ऐड स्पेस डॉट और एंटर, तो ये देखो हमारी सारी फाइलें इसमें आ गई हैं। इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर रन करना है npm गिट ऐड हो गया। हाँ, तो इसके बाद आपने इसको कमिट करना है, कॉपी यहाँ पर पेस्ट एंड एंटर। तो देखो अपने कंपोनेंट की सारी फाइल आ गई इसके अंदर। इसके बाद जब कमिट कर लेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल गिटहब पेजेस सेव डेव एंटर। तो ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब आपका जो नेम है इसका, वो नेम आपने ऐड करना है अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल है, इसमें जाइए, यहाँ पर जाके आप क्या लिखेंगे, होम पेज, और जो भी आपका यूआरएल है, तो आपका यूआरएल क्या बनता है उसको हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो आपका यूआरएल कुछ इस प्रकार बनता है, मन्नू शर्मा। तो यहाँ लिखिए https मन्नू शर्मा डॉट github.io/ecommerce-app। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, होम पेज का URL। इसके बाद अपने स्क्रिप्ट में आना है और यहाँ पर अपने कॉमा लगा के दो चीज़ें ऐड करनी है, प्री डिप्लॉय और डिप्लॉय, ये दो चीज़ आपने इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद आप वापस से यहाँ पर आएंगे और यहाँ क्या आप लिखेंगे, npm रन डिप्लॉय। तो ये हमने कमांड यहाँ से रन किया, तो ये देखो यहाँ से डिप्लॉय हमारा चल रहा है, क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड द ऑथेंसिटी ऑफ होस्ट गिटहब कैन नॉट बी स्टेब्लिश द फिंगरप्रिंट, दिस की इज नॉट नोन बाय अदर नेम्स, एनी अदर नेम्स। पासवर्ड क्या था,
प्लीज मेक श्योर यू हैव द करेक्ट एक्सेस राइट. Check one second last, npm run deploy, creating an optimized production build. ये की में फेल हो रहा है. फिंगरप्रिंट का करके कुछ आया था, पब्लिक की. Now we can set fingerprint key during upload on GitHub. Together find the fingerprint for the private and public key pair you want to verify the in the private keys. Permanent generating private keys compared to result locally generated fingerprint data. ओके तो ये हमें कह रहा है कि प्राइवेट की आपको कहाँ से मिलेगा. ये हमें कह रहा है नेविगेट टू द अकाउंट सेटिंग्स. देखने का दिख रहा है अकाउंट सेटिंग. क्या लिखा रहा है इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ एनी गिट पेज ऑन गिटहब क्लिक योर प्रोफाइल फोटो. सो ये आपको क्लिक है कर दिया. ठीक है फॉर एन ऐप ऑन्ड बाय पर्सनल क्लिक सेटिंग्स. हियर वी हैव सेटिंग्स. क्लिक योर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन yes here we have organization. Then to be right organization click settings. सेटिंग का कहीं ऑप्शन आ रहा है. द लेफ्ट साइड क्लिक डेवलपर सेटिंग्स. यस हियर वी हैव. Click GitHub apps.
यहाँ पर फाइंड करेंगे प्राइवेट की। एक्चुअली मेरा कंप्यूटर मेरे लिए कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, मेरा अकाउंट के साथ। आप ये काम अपने पर ट्राई करना, मैं ये चीज़ अपने पर कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको कैंसिल करेंगे, बिल्ड हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। कोई बात नहीं, तो मैं अपने अकाउंट से एग्जीक्यूट करता हूँ। आप यहाँ ये ओपन कर लेंगे गिटहब, github.com, और हम यहाँ पर एक न्यू रिपोजिटरी बना रहे हैं ई कॉमर्स ऐप के नाम से, पब्लिक रखेंगे। क्रिएट रिपोजिटरी पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, ये बन गया अपना। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आना है। हमारा प्रोजेक्ट, तुम्हारा वाले ने अकाउंट बंद कर दिया ना? हाँ, तो हम अपने वाले में आएंगे और ई कॉमर्स ऐप के अंदर, अरे भाई माई ऐप नहीं, ई कॉमर्स ऐप, यहाँ जाके गिट बैश को अगेन चलाएंगे और यहाँ लिखेंगे गिट init initialize, गिट initialize हो गया। इसके बाद मेरी जो रेपो है उसका मुझे नेम पूरा कॉपी करना है और यहाँ पर लाके पेस्ट करना है और एंटर करना है। तो क्या बोलता है, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करके हमें यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो आप यहाँ पर इस केस में क्या लिख देंगे, गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन, क्या लिखेंगे, गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन। अब फिर से आप उसको डालिए और एंटर करिए, तो देखो ऐड हो गया मेरा ला। इतना करना है। इसके बाद में आप यहाँ पे जाके लिखेंगे गिट ऐड एंटर, उसके बाद जाके आप लिखेंगे गिट कमिट, ये लाइन हमें यहाँ से मिल जाएगी, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारी फाइल वगैरह सब आ गई है इसके अंदर। उसके बाद में आप यहाँ पर npm इंस्टॉल gh pages github pages save dev enter, ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, डन हो गया। इसके बाद हम अपना नेम जो है वो यहाँ पर लाके डालेंगे। तो मेरा नेम क्या है, बेस्ट एनिमेशन स्कूल के नाम से है, कॉपी करेंगे इसको। और ई कॉमर्स ऐप, तो इधर देखो सामने, इसके अंदर आपको पैकेज डॉट जेसन में आना है। ई कॉमर्स ऐप को कट कर लेंगे यहाँ से, ये लास्ट में हमने अपना ऑलरेडी सेट किया, तो मेरा यूआरएल सेट हो गया। फाइल को सेव कर लेंगे और ये दोनों पार्ट भी हम लोगों ने यहाँ पर अपना ऑलरेडी सेव किया हुआ है। चलिए वापस आइए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप यहाँ से लिखिए रन npm रन npm रन डिप्लॉय, ये देखो मेरे कंप्यूटर से हो गया वाला पार्ट पब्लिश्ड। इसके बाद आप यहां पे लिखेंगे गिट पुश, ये कमांड आपको यहां से मिल जाएगा, गिट पुश ओरिजिन मेन,
कॉपी पेस्ट गिट पुश ओरिजिन मेन फेल टू पुश सम रेफरेंस टू ई कॉमर्स क्यूई गिट पुश ओरिजिन मेन SRC reference pack main does not match any. ये spelling mistake हुई है क्या? एक second. github.com e-commerce app git पूरा लिखा था हमने तो अधूरा लिखा था एक बार यहाँ रिफ्रेश करो डेटा अगर यहाँ पुश होगा तो दिखेगा तो डेटा तो यहाँ आ चुका है डेटा यहाँ आ चुका है सेटिंग्स में आएंगे जीएच पेजेस भी यहाँ पर है पेजेस पर आते हैं ई कॉमर्स ऐप भी हमारी यहाँ पर अवेलेबल है आ गया ये आ गया है यहाँ पर ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है ज्वेलरी तो ज्वेलरी का डेटा आ रहा है ठीक है मेंस क्लोथिंग तो क्लोथिंग का डेटा आ गया यहाँ पर वुमेंस क्लोथिंग तो वुमेंस क्लोथिंग का डेटा आ गया ठीक है तो आज हमारा हो गया ये वाला काम तो ये प्रोसेस आपने फॉलो करना है तो ये तरीका आप फॉलो करके देखो अपने अपने कंप्यूटर के अंदर कि क्या आपका डेटा आ पा रहा है यहाँ पर नहीं अच्छा ये जो वार्निंग आ रही है ये आजकल ना गिटहब दे रहा है पहले नहीं आती थी ये वार्निंग ठीक है तो इसको अवॉइड करना आप ठीक है बट आपका प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है रिएक्ट का हमें सभी API से डेटा मिल रहा है तो ट्राई करके देखिए बाकी तो पार्ट डिज़ाइनिंग का है उससे आपका ये बेटर होके आ जाएगा तो जैसे न्यूज़ वाला एक हमारा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है तो अपने न्यूज़ का बना के आप उसको होस्ट करके देखो कैसे करना है तो आपको मेन चीज़ है कि गिट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे डाउनलोड गिट तो ये वेबसाइट आती है यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है इसका मैं आपको लिंक व्हाट्सअप कर रहा हूँ इसको डाउनलोड कीजिएगा तो डाउनलोड फॉर विंडोज सीधा सीधा सामने है इंस्टॉलेशन में सीधे टैप 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 इंस्टॉल और काम हो जाएगा आपका लीजिए ये था आपका होस्टिंग जिसने हमारे 3 क्लासेस किल किए बेस नहीं मतलब चीज़ें बदल गई ना अब रिएक्ट का ऐसा है नहीं कि बैच लगातार लगातार चल रहे हैं कंटिन्यूटी में सेम नॉर्मल होस्टिंग आपने देखा मैंने लास्ट क्लास में करके देखा कितना क्विकली हो गया था चीज़ें बदली हैं तो हमने बदल के चीज़ों को ट्राई करेंगे अब जैसे तुम्हारे अकाउंट पर ट्राई करते नहीं हो पाया फिर मैंने अपने अकाउंट पर ट्राई किया तो हो गया है ना तो मेन चीज़ें होने से मतलब हिम्मत नहीं हारनी है पीछे लगे रहो कैसे नहीं होगा लीजिए फाइनली वी डिड इट काम हो गया इरम समझ में आया कुछ कहाँ हो हाँ तो अब आप अपने प्रोजेक्ट बना के होस्ट करिए गिटहब के ऊपर ठीक है जिस कंपोनेंट को स्टाइल करना है उसी कंपोनेंट पे काम करो हाँ जैसे इन प्रोडक्ट को स्टाइल देना है तो ये प्रोडक्ट किस में है पहले ये चीज़ ये देखो तो जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट ये क्या कैटेगरी वाइज डेटा फैच हो रहा है ठीक है तो प्रोडक्ट का हम लोगों ने यहाँ पर एक कंपोनेंट बना रखा है ई कॉमर्स के अंदर आप जाओगे सोर्स के अंदर आप जाओगे कंपोनेंट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर कैटेगरी लिस्ट है जो कि लूप हो रही है आपकी LI के अंदर और ये है कैटेगरी प्रोडक्ट्स जो कि लूप होकर आ रहे हैं तो आपको इनको बेसिकली लुक एंड फील देना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ तो ये कि
अगर बूटस्ट्रैप लगाना है तो आपको बूटस्ट्रैप लगा के इसको सही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले तो सोर्स की कॉपी बना देते हैं। ताकि एक बैकअप हमारे पास रहे। हमने इसको नेम दिया बिफोर स्टाइलिंग। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर जाके ये देखो कैटेगरी प्रोडक्ट्स है ना, इसको हमें स्टाइल करना है। तो भाई मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये एक कार्ड बन जाए। तो मैंने यहाँ पर एक कार्ड बना लिया इस तरह से, ठीक है। अब इस कार्ड के अंदर मैं पूरा जो अपना लूप चला दूंगा, और ये कार्ड मैं पूरा रखूँगा किसी रो के अंदर। डॉट कंटेनर यहाँ पर क्लास नहीं होता है, क्लास नेम होता है, ठीक है। तो ये हमने कार्ड बना लिया अपना। तो हमें कार्ड को बेसिकली क्या करना है, लूप करना है। हमने यहाँ से इसको किया कॉपी और यहाँ लाके आपने कार्ड के बाद में इसको बंद कर देना है इस तरह से। तो लूप पूरा हुआ। अब हमें इमेज के अंदर इमेज दिखाना है, तो SRC में ये डाल दो, ALT में टाइटल डाल दो, कार्ड टाइटल में प्रोडक्ट टाइटल डाल दो, यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल देना। और क्या रह गया, कार्ड रह गया ना, कार्ड में PID डाल देंगे और प्राइस रह गया हमारा। फिलहाल मैं यहाँ पर प्राइस डाल देता हूँ। ये वाला जो डिव है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे। फिलहाल हम इसको चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। चलिए तो यहाँ पर लिखिए गेट बूटस्ट्रैप। तो मैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप नहीं डाल रहा हूँ, मैं फिलहाल तुम्हें टेस्टिंग के लिए ऐसे दिखा देता हूँ। npm इंस्टॉल दिस, तो बूटस्ट्रैप हमारी डल चुकी है। यहाँ से करते हैं npm ठीक है। तो ये हमारा कुछ डेटा इस तरह से दिख रहा है फिलहाल। चलिए अब इसकी स्टाइलिंग की बात करोगे तो आपको करना पड़ेगा, ना 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 इसमें वो नहीं करना पड़ेगा, बस हमें CDN लगाने हैं।
कुछ अलग कर रहे हैं। अगर देखो इस तरह से प्रोडक्ट, अब ये हमें कुछ इस तरह से दिखाने हैं कि भाई ढंग से आ जाए। तुमने लिखा कॉलम, तो कॉल क्लास क्या होता है कि भी 12 कॉलम को कवर करती है, तो हमने यहाँ पे लिखना है रो कॉल्स। कितने चाहिए आपको मोबाइल में? 12 रो कॉल्स LG थ्री समथिंग। तो ये देखो कुछ चेंज हो गया, यहाँ से इस तरह से आपका चेंज हो के आएगा। अब इसको एक दूसरे के पैरेलल लेकर आना है। कहीं हमारा ये लूप सही से नहीं चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है कॉलम। हाँ तो हमने ना गलत जगह पर लगा दिया बस लूप, ये गलती है। हमें लूप जो है वो यहाँ लगाना है कॉलम के ऊपर, क्योंकि कॉलम रिपीट हो रहा है ना। अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई हमें लार्ज पर 4 प्रोडक्ट एक साथ दिखाने हैं, ठीक है। तो 4 दिखाने हो, 3 दिखाने हो, वो अपना यहाँ से चेंज कर लोगे। मोबाइल मोड में जाओगे तो अपना आप सिंगल हो जाएगा। क्या बैनर तो अभी लगा के दिखाया था क्राउजन? हाँ क्या दिया समझा नहीं। क्राउजल दिया तो है, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। हाँ 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 नहीं तो इसमें तुम्हारे पास बैकएंड कैसे हो जाएगा? ये तो तुम्हें API में अगर बैनर दिए होंगे तो तुम बैनर लगा सकते हो। तो फिलहाल तो तुम इसी को चला सकते हो, प्रोडक्ट्स को डाल दो उसमें तो चालू हो जाएंगे। हाँ इमेज में तुम्हें लगा के दिखा चुका, फ्लिपकार्ट के मैंने स्लाइड से ला के नहीं दिखाई थी तुम्हें इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ, उसके अंदर एक इमेजेस के नाम से फोल्डर क्रिएट करो सोर्स में। यहाँ पर जाके इधर जाओ, फाइल होगी तो फोल्डर बना दो, फोल्डर भी यहीं पर है। बस इसके अंदर ला के अपनी इमेज रख लो, दिखा देते हैं। डेस्कटॉप इंडोर प्लांट, शायद यहाँ पर कुछ बैनर इमेज पड़ी होती है, देख रहे हो। एग्जांपल के लिए ये कुछ इमेज है, हम इनको चला के देखते हैं। हमने इनको यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद आप जाओगे दिस पीसी, दिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर MWF मिल जा भाई, कहाँ गए? डेस्कटॉप के अंदर फिर से डेस्कटॉप, उसके अंदर MWF के अंदर 1030 के अंदर कौन सा ई कॉमर्स ऐप है ना, इसके अंदर सोर्स के अंदर इमेजेस, यहाँ ला के अपनी इमेजेस को डिफाइन कर लो। अब इमेज को मैं चलाना है तो जिसमें भी चलाना चाहो तो यहाँ जाइए, यहाँ
ये मैं अपना क्राउजल रख लिया यहाँ पर। क्राउजल के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको इमेज का दिखाई देगा। ये आ गया फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। ठीक है, क्या है? कोई नहीं, वाया प्लेस होल्डर है हमारे पास, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या साइज आ रहा है इसका? 900 बाई 500, 900 बाई 500 बन जा भाई। यस, और उसके आगे हमें चाहिए फर्स्ट स्लाइड। नहीं ले रहा है, इस पर अपन लिख भी सकते हैं। ये साइज है, ये विड्थ है, ओनली फॉर्मेट है। इमेज फॉर्मेट्स कैन ऑल्सो कमेंट विद कलर, हम कलर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। फॉर्मेट टेक्स्ट, यस मिल गया। ये देखो इसमें ना टेक्स्ट भी आ जाएगा, आ गया ना। तो हमें जो इमेज चाहिए वो कितनी थी? 900 बाई 500 क्या था? स्लाइड वन बन गई बैनर इमेज। बस लो यहाँ लगाओ, जब जब फ्रंट एंड बना रहे थे ऐसे लिखते हैं। अब मैं इसको ओरिजिनल इमेज से बदल के दिखा देता हूँ, ठीक है? फर्स्ट स्लाइड वन, स्लाइड टू, स्लाइड थ्री। अब ये लो, वेबसाइट जहाँ हमारी चल रही थी वहाँ पर आ गया इस तरह से, है ना? तो यहाँ पर हमें लगानी अपनी फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ लगाने के लिए अब क्या करेंगे? ये देख रहे हैं, ये है हमारी ऐप डिफॉल्ट। तो यहाँ से नेम कॉपी कर लीजिए, और जो हमारी कैटेगरी वाला है जहाँ पर हमें लगाना है वहाँ लाके आप कॉल कर लेंगे।
तो इंपोर्ट स्लाइड वन फ्रॉम, क्या लिखेंगे? इमेजेस स्लैश, क्या नाम है इमेज का? लैंडिंग वन, लैंडिंग वन डॉट पीएनजी। स्लाइड वन, स्लाइड टू, स्लाइड थ्री, लैंडिंग थ्री टू, सारे पीएनजी। ठीक है, क्या करोगे नीचे आके, जहाँ एसआरसी लिखा हुआ है उसको ठीक है। मैंने कहता था काम करेगा, देखो लग गई नहीं, ये तो चाह रहे हो तुम। हाँ हो गया, इसलिए इमेज भी ना एपीआई से लाते हैं हम लोग, ऐसे लाते नहीं। जैसे ये इमेज आ रहे हैं ना एपीआई से, तो बस खाली हम लोग वहाँ पर उसका एपीआई लगा देते हैं, तो उससे हमारा अपना आप चलता है। तो एक एपीआई बनेगा स्लाइडर के नाम से, एपीआई का एंड पॉइंट, और उसके अंदर स्लाइडर की इमेज होगी, वो जैसे बैक एंड में चेंज होगी फ्रंट एंड पर अपना आप आती रहेगी। फिलहाल जब तक तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो तुम ऐसे चलाओ, तुम्हारा काम है मेन चीज़ों को लगाना, समझना कैसे काम करनी है, हो गया तुम्हारा काम। हाँ, ये तो हमने छोड़ा है जान मुझके, हटाना है तो कंटेनर फ्लूड कर दो, उसमें क्या है। और यहाँ पर बढ़ा लो कि मुझे छह प्रोडक्ट दिखाने हैं, और मुझे यहाँ पर लिख दो, ये तो इतना डिजाइनिंग पढ़ के आए हो लोग। इसमें नहीं है एडजस्टमेंट, सी एस एस में है सब एडजस्टमेंट। जैसे अगर आप चाहते हो कि सबकी इमेज जो है ये बराबर हो जाए, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, तो कोई हार्ड ड्राइव बड़ी है, कोई हार्ड ड्राइव छोटी है, तो ऐसे अच्छी नहीं लग रही ना दिखने में। तो सी एस एस पढ़े हो कि नहीं, तो बताओ क्या करोगे, उसी से होना है, जल्दी बोलो। हाइब्रिड डालोगे तो ख़राब नहीं हो जाएगी, कैसे नहीं जाएगी फोटो, तो कैसे करोगे सही? अब मान लो तुम एक फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट चला रहे हो, और तुम्हारे क्लाइंट जब वो तो सब अनसर्न्ड होंगे, वो तुम्हें सही से तो डेटा देंगे नहीं इज्जत के साथ, तो कैसे करोगे सही? मैं तो पहले ही बोला था ना कि मेरा काम यहाँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिखाना है, ना कि डिज़ाइनिंग कराना है। चलो मैं बता देता हूँ इसको कैसे हैंडल करोगे, बट ये मेरा बनता नहीं है एंड में आने के बाद। चलो, तो ये हमारा इसका नाम क्या है, डॉट जे एस ना, तो यानी कि हमारी एक फाइल चल रही होगी ऐप डॉट सी एस एस के नाम से। ठीक है, तो जो ऐप डॉट सी एस एस पाए हम लोग, क्योंकि ऐप डॉट जे एस के अंदर सब कॉल हो रहे हैं यहाँ पे, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर स्टाइल कर दूँगा सब पे स्टाइल लग जाएगा अपने आप। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, कार्ड, कार्ड के अंदर क्या है, इमेज, और मैं यहाँ चला जाता हूँ। मैंने बोला कि इमेज की विड्थ है 100% और हाइट जो है मैं एक स्टैंडर्ड पकड़ लूँगा। अब बताओ कौन सी हाइट तुम्हें सही लग रही है इसमें से, कि सब उसके बराबर हो जाए। जैसे मॉनिटर है तो इसके बैलेंस में आ जाए, एग्जांपल के तौर पर। तो इसकी वेट है 219, तो हम लोग 220 का एक रेफरेंस पकड़ रहे हैं, 220 पिक्सल। जैसे हम लोग ये करेंगे, यहाँ हो गए, ठीक है, नीचे चलोगे तो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो हमें इसको फोर्सफुली बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट। और यहाँ तक हमारी क्लास चली जाए, उसके लिए आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमने ऐप डॉट जी एस में ऐप डॉट सी एस कॉल करा, तो हमारी ऐप डॉट सी एस कॉल नहीं हो रखी, तो क्या लिखोगे,
ये मैंने हटा दी थी। अब चेक करेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आ गए। इसके बाद अब ये पिचक गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो क्या करते हैं, सीएसएस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, पहले इनको हटा के देखो क्या बिना इनके लगाए काम हो रहा है, चल रहा है। दोबारा देखो, चल रहा है। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट फिट, क्या बोलते हैं, कंटेन, पढ़ा होगा। अब देखो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, पहले ना पिचक गई थी, अब देखो सब एकदम बढ़िया आ रही हैं, सुथरी से एकदम, ऐसा करना। अब तुम किसी भी कैटेगरी में जाओ, ज्वेलरी में गए तो ज्वेलरी देखो एकदम तरीके से आ रही है, मेंस क्लोथिंग में गए तो ये तरीके से आ रहा है, वुमेंस क्लोथिंग में गए तो ये तरीके से आ रहा है ना। एक होता है कंटेन, एक होता है कवर। कवर क्या करता है, उसको फुल करने की कोशिश करेगा ऐसे। अब मान लो कि तुम मॉडल के साथ काम कर रहे हो तो सबकी मुंडियाँ तो कट गई, दिक्कत होगी ना, तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन, क्या लिखोगे, टॉप। तो देखो सबकी मुंडियाँ वापस आ गई। तो भाई सीएसएस अच्छी आनी चाहिए तभी जाके, देखो लुक एंड फील जो होता है ना वो सीएसएस से कंट्रोल होता है। अब आप जिसमें भी जाओगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मतलब अगर प्रोडक्ट वाला वैसा बना रहे हो तो मतलब मॉडल के साथ, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी चलानी है, नहीं तो अपना सीधी सा सिस्टम होता है कि अपना कवर के साथ चलो, सॉरी कंटेन के साथ चलो, आपका ना तो प्रोडक्ट स्ट्रैच होगा और एक जैसी हाइट में आएगा। अब तुम्हारा दूसरा दर्द की बात करते हैं, कि भाई किसी में मैटर कम है, किसी में मैटर ज़्यादा है, तो इसको कैसे हैंडल करा जाए, है ना। तो जैसे आप देखते हो कि फ्लिपकार्ट पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैं फैशन में चला गया और मैं यहाँ से एक कैटेगरी में आ जाता हूँ विच इज़ टी शर्ट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे ट्रिपल डॉट लगा हुआ आ रहा है, ये देख रहे हो, क्योंकि मैटर ज़्यादा है लेकिन हमें कार्ड को बैलेंस करने के लिए लाइन में लाना पड़ेगा, ठीक है। मैटर तो जबकि यहाँ से है ना, पॉलिएस्टर मल्टी कलर टी शर्ट, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, नहीं आता। अरे यार फिर कैसे, किसने बोला एसयू में आता है, सीएसएस का पार्ट होता है। हाँ चलो, तो कार्ड इमेज के अंदर इसे बंद कर दो, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। तो टाइटल कहाँ आ रहा है, एच फोर के अंदर आ रहा है। कार्ड टाइटल को कॉपी करेंगे, टेक्स्ट ओवरफ्लो, ठीक है, यहाँ पर आप कर देंगे क्लिप। अच्छा तो लाइव वाला है ना, इसे बंद करो। और इसकी यहाँ पर आप विड्थ वाइट स्पेस नो रैप कर दीजिए, तो देखो एक लाइन में निकल गया। अब सारे कार्ड बराबर हो गए, ये तो चाह रहे थे तुम कि बराबर हो जाए। अभी देखो मैटर एक लाइन में आगे भाग रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, टेक्स्ट वाइट स्पेस नो रैप। अब देखो जो एक्स्ट्रा गया वो खत्म हो गया, जो पहले नीचे स्क्रॉलिंग आ गई थी। दोबारा देखो ध्यान से, स्क्रॉलिंग आ रही है, स्क्रॉलिंग खत्म हो गई है। चलो यहाँ जाके क्या बोलोगे, मैंने कहता था ट्रिपल डॉट लग जाएंगे सीएसएस से,
अरे CSS बहुत बड़ी चीज़ है, किसने पढ़ाया तुम्हें? SU में आता है ये चीज़ भाई? हाँ बन गया नहीं? तो CSS तो ऐसे कर, तो देखो कितना बढ़िया तरीके से आ गया, सही तरीका हो गया कि नहीं? अच्छा भी लग रहा है, देखो सब बराबर बराबर। देखो मैंने एक बार, ये होता है डेवलपमेंट, एक के लिए लिखो सबके लिए एंजॉय करो। ज्वेलरी में जाओ वहाँ अपने आप सेट, मेंस क्लोथिंग में जाओ वहाँ अपने आप सेट हो गया, जहाँ पर छोटा है ठीक है, बड़ा है तो अपना हैंडल। अब यही होता है स्टैटिक लगे होते सब में। ये चीज़ है भाई, डिज़ाइनिंग मैंने तुम्हें बता दिए लेकिन ये मेरा काम है नहीं, तो तुम CSS पर अपना होल्ड बनाओ। मैंने जो CSS पढ़ा है वो बहुत अलग है, ठीक है? तो CSS में तो मुझे कोई नहीं बीट कर सकता, क्योंकि तो मेरा CSS पर होल्ड बहुत तगड़ा है। और CSS एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। हमें तो देखते समझ आता है कहाँ पर क्या लगाना है, किस चीज़ से जाएगा वो। अब तुम इंटरव्यू में जाके बोल दो जी ये SU में आता है, वो तुम्हें पकड़ के मारेगा। हाँ तो फिर ऐसा आंसर भी नहीं देना, ये बोलो नहीं पता, ये मत बोलो SU में आता है। SU में इसका क्या मतलब? और बताओ, चलो पहले आज इतना करूँ, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें एक क्लास और देके बाकी की चीज़ें इसके अंदर बता दूंगा कि कैसे कार्ट वार्ट बनाओगे, क्या करोगे चीज़ें, है ना? पहले इतना खेला करो। कौन ही डाउनलोड हो रहा है? एकदम सेशन ओवर कर रहे हैं, ठीक है?